दोस्तों राधा रानी पर दिए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार की दोपहर बरसाना पहुंचे। यहां वो 5 मिनट तक बरसाना में रहे और इस दौरान उन्होंने राधा रानी से दंडवत प्रणाम किया और माफी भी मांगी। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा मंदिर से बाहर निकले और मंदिर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। बता दी कि हाल ही में राधा रानी को लेकर दिए एक बयान के बाद से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। मथुरा में संतों की महापंचायत में कथावाचक प्रदीप मिश्रा को अल्टीमेटम दिया गया था और कहा गया था कि वो बरसाने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगे। मंदिर से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफी मांगता हूँ। मैंने लाडली जी और बरसाना सरकार और सभी महंत धर्माचार्य और आचार्य से माफी मांगता हूँ। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में राधा जी को बरसाना की नहीं बल्कि रावल की रहने वाली बताया था, जिसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।